जय श्री राम दोस्तों, 75 डे चैलेंज का पहला दिन एज ए टीचर थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था। फिर मैं फटाफट उठा, उठने के बाद जब मैंने बाहर जाके देखा तो बाहर तेजी से बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं था, क्योंकि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करते करते लाइट आ गई, और लाइट आते ही मैंने फटाफट लेक्चर रिकॉर्ड किया, कपड़े चेंज करके मैं निकल गया जिम के लिए। बाहर बहुत तेजी बारिश हो रही थी, ये मैंने कुछ ट्राइसेप के वर्कआउट किए, वर्कआउट करने का देख रहा हूं तो बाहर फिर भी बारिश कंटिन्यू हो रही है। ये मेरा ट्राइसेप का पोज, पोज करने के बाद फिर इसके मैं बाहर निकला, बाहर पूरा पानी जमा हुआ था हर जगह, और सबसे बड़ी बात जिम में लाइट भी नहीं था। फिर मैंने चैलेंज लिया तो मुझे वर्कआउट करना ही था, और मैं किसी भी हालत में वर्कआउट करूंगा। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने कुछ फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स लेने के बाद मैंने प्रोटीन शेक लिया। प्रोटीन शेक लेने के बाद मुझे पता चला क्रम थोड़ा बीमार है तो उसको बाहर हॉस्पिटल में लेके जाना है। ऐसे हम लोग निकले और हम पटाख से पहुंच गए केयर हॉस्पिटल। केयर हॉस्पिटल पहुंचने का था, हमने उसको चेकअप करवाया, चेकअप करवा के घर पे जैसे ही पहुंचे इसके बाद मैंने दाल सब्जी एंड राइस एंड चपाती लिया। और हॉस्पिटल होने के कारण आज क्लास की छुट्टी थी पूरी तरह से। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं उठा, उठने के बाद जो मेरा प्रोसेस था पानी इंटेक करने का, अब तक मैं 3 लीटर पानी इंटेक कर चुका था। मुझे किसी अननोन स्टूडेंट ने एक गिफ्ट भेजा था, उस गिफ्ट को ओपन किया, मैंने फिर से प्रोटीन शेक लिया। प्रोटीन शेक लेने के बाद मेरा हो चुका था डिनर का टाइम, और डिनर में आज जन्माष्टमी था तो भाई कुछ अच्छा खाना ही था। श्रीमद् भगवद गीता की एक लाइन में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन का है। इस तरह से मेरा दिन आज पूरी तरह से खत्म हुआ, और ये पहला दिन था। मुझे लगता है आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा एज ए मेरे मोटिवेशन के लिए, और हो सकता है आपको मुझसे कुछ मोटिवेशन मिले। चलो चलते हैं, जय हिंद।